मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेश में कल से सिर्फ संवेदनशील इलाकों को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के अंदर ही दुकानें खोली जाएगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, खरगोन और धार में कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएगी। स्थानीय प्रशासन इन जिलों में दुकानों के खोलने का निर्णय परिस्थिति अनुसार करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांव में दुकानें खोली जाएंगी, सब दुकानें खोल सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाजार भी खुले थे लेकिन मोहल्लों की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, इसके निर्देश हम जारी करते हैं। अपने मोहल्ले में उन दुकानों पर जाकर आप अपना सामान खरीद सकते हैं। इसलिए आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है उनकी दुकानें खोलने का हमने फैसला किया है। मोहल्लों में बाजार बड़े भी खुले हैं लेकिन माल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। हमको सावधानी रखना है, सावधानी नहीं सुरक्षा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन में हम दुकानें खोलने का फैसला नहीं कर रहे हैं। मोहल्लों में भी कंटेनमेंट एरिया में कहीं भी सफाई नहीं, कंटेनमेंट एरिया की तो दुकानें और इस पार की दुकानें बंद ही रहेंगी। लेकिन कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके करेगा, परिस्थितियों के अनुसार उनको फैसला करना है। मैं फिर दोहराता हूं, हॉटस्पॉट में दुकानें भी खुलेंगी, कंटेनमेंट एरिया भी खुलेंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर, खरगोन उन नगरों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत सोच समझ कर फैसला करेगा। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है, उसके निर्देश मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।